नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक सरकार पिछले वर्ग के छात्रों के छात्रावास में सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने के लिए सीएम बोमेन ने की घोषणा। स्कूलों में गणेशोत्सव धार्मिक मुद्दा नहीं, डीसी नागेश ने कहा। गणेश मंडपों में लगेगी सावरकर की फोटो और मूर्ति, हिंदू संगठन श्री राम सेना ने किया ऐलान। भारी बारिश से आई बाढ़ में 31 लोगों की मौत, कई राज्यों में भूस्खलन। राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में, बाद में छोड़ा, प्रदर्शनकारियों से मिलने जा रहे थे जंतर मंतर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बसवराज बोमेन ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थिति में सुधार और उन्हें और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी छात्रावासों की क्षमता 25% बढ़ाने के लिए अनुदान जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रावासों को अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया है और छात्र छात्रावृत्ति में 150 रुपए की वृद्धि की गई है। बोमेन ने कहा कि 195 छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि संत कनकदास के नाम से 50 नए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य विभिन्न क्षेत्रों में मुद्दों की एक श्रृंखला देख रहा है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में विवादों की आंधी देखी जा रही है। पाठ्य पुस्तकों के संशोधन से लेकर सरकार तक स्कूलों और कॉलेजों में गणेशोत्सव की अनुमति दे रही है। TNSC के साथ एक साक्षात्कार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, जब भी भाजपा सत्ता में आती है और छात्रों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति सिखाने की कोशिश करती है तो कुछ ताकतें इसका विरोध करती हैं। कर्नाटक में पिछले दिनों हुआ सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर विवाद के बाद अब राज्य में वीर सावरकर के पोस्टर एक बार फिर से चर्चा में है। खबर है कि हिंदू संगठन श्री राम सेना ने आगामी त्योहार में गणेश प्रतिमाओं के साथ सावरकर की प्रतिमाएं या तस्वीरें रखने का फैसला किया है। इसे लेकर राज्य में अभियान भी शुरू किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीराम सेना समूह का कहना है कि वह विजयपुर इलाके में 250 से ज्यादा गणेश मंडपों में सावरकर के बारे में जानकारी देने की तैयारी की है। इसके अलावा श्रीराम सेना ने यह भी कहा कि समूह ने कांग्रेस नेता सिद्धरामैया को सावरकर पर लिखी गई कई किताबें भेजने का फैसला किया है। गौरतलब है कि शिमोगा के मुस्लिम इलाके में सावरकर की तस्वीर लगाने की जरूरत को लेकर कांग्रेस की ओर से दिए गए कथित बयान पर जमकर हंगामा हुआ था। हालांकि इस मामले में कर्नाटक सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमेन ने स्वतंत्रता दिवस पर हुई घटना पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी घटना होती है हम कानून के हिसाब से उनकी जांच करते हैं, सभी का सम्मान जरूरी है। हमने विपक्ष के नेताओं को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराया है। राज्य में शांति बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ के कारण शनिवार को हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 31 लोगों की मौत हो गई। मौसम कार्यालय ने रविवार को पश्चिम मध्य प्रदेश में और सोमवार को पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482127। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं आगे के समाचार। बेरोजगार संघ के प्रदर्शनकारियों से मिलने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने कुछ देर के लिए रविवार को हिरासत में ले लिया। हालांकि जानकारी के अनुसार बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। पुलिस किसान नेता को लेकर मधुविहार थाने ले गई। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने भी कहा था कि टिकैत को हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद ही छोड़ दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा था कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। यह गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने रविवार को कहा कि वे पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है और उन्होंने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया भागने वाली चीज नहीं है, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की सरकार ने
मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस देकर रविवार की शुरुआत की। जन्माष्टमी के दिन सीबीआई अफसरों के साथ घर पर थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भारद्वाज ने आगे कहा कि समस्या ये है कि केंद्र सरकार की 900 सीबीआई अफसरों को रेड में कुछ भी नहीं मिला, ये बेहद तुच्छ है, ये नौटंकी से भी नीचे का मामला है। विदेशों की सरकारें हमारी सरकार पर हंस रही होगी। जहां बेरोजगारी और महंगाई बड़ी समस्या है, वहां प्रधानमंत्री राज्य सरकार से लड़ रहे हैं। आज सीबीआई राजा हरिश्चंद्र बन गई है। नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में एक महिला से 5 अगस्त को बदसलूकी करने के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नोएडा में आज एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। त्यागी समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय भाजपा सांसद महेश शर्मा की निंदा करते हुए नारे लगाए गए। दूसरी तरफ ग्रैंड ओमेक सोसाइटी के निवासियों के पोस्टरों के माध्यम से मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। महापंचायत कर रहे त्यागी समाज के लोग इस मुद्दे को त्यागी समुदाय के सम्मान से जोड़ रहे हैं। वही ग्रैंड ओमेक सोसाइटी के निवासियों ने पोस्टर में लिखा, एकजुट रेजिडेंस अन्याय के खिलाफ है, उत्पीड़न, दबंगाई, महिलाओं का अपमान, गाली गलौच, अतिक्रमण को हम ना बोलते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए साल 2020 में कांग्रेस से निलंबित नेता संजय झा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी गांधीवादी लड़ाई लड़ती है तो भाजपा इतिहास बन जाएगी। उन्होंने यह ट्वीट इस संदर्भ में किया कि कैसे विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस ने बिल्किस बानो बलात्कार के दोषियों की रिहाई के मामले को उठाया है। निलंबित कांग्रेसी नेता ने कहा कि यह एक कारण है कि वह निलंबन के बावजूद पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की शीर्ष जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और अवैध फंडिंग के मामले में उसके नोटिस का जवाब नहीं देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में शनिवार को यह जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान के दैनिक समाचार पत्र द न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी ने इस संबंध में शुक्रवार को इमरान खान को दूसरा नोटिस जारी किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की किसी सीरियाई सीमा को कब्जे में लेने की योजना नहीं बना रही है। तुर्की की तरफ से युद्धग्रस्त देश सीरिया के उत्तर में कुर्द सेना पर हमले बढ़ाए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। एर्दोगान की टिप्पणी के एक दिन पहले तुर्की की वायुसेना ने सीरिया बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें सीरिया के शासन के 17 लड़ाके मारे गए। एक युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था ने कहा कि तुर्की के हमले में कुर्द सेना और सीरियाई शासन की सेना दोनों के ही लोग मारे गए थे। आधिकारिक सीरियाई न्यूज एजेंसी ने कहा था कि सरकार के 3 सिपाही मारे गए। तुर्की ने कहा कि वो अपनी सीमा पर हुए हमले का जवाब दे रहा था। इस हमले में तुर्की के 2 सिपाही मारे गए। तुर्की और सीरिया के बीच 2020 में हुए आपसी हमलों के बाद यह सबसे बड़ा तनाव का बिंदु रहा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रावास में सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने के लिए सीएम बोम्मई ने की घोषणा। स्कूलों में गणेशोत्सव धार्मिक मुद्दा नहीं, डीसी नागेश ने कहा। गणेश मंडपों में लगेगी सावरकर की फोटो और मूर्ति, हिंदू संगठन श्री राम सेना ने किया ऐलान। भारी बारिश से आई बाढ़ में 31 लोगों की मौत, कई राज्यों में भूस्खलन। राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में, बाद में छोड़ा, प्रदर्शनकारियों से मिलने जा रहे थे जंतर मंतर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।